हाँ तो नमस्कार दोस्तों, केम छो क्या हालचाल, स्वागत करता हूँ कमल एनपी के इस चैनल में सबका। दोस्तों मेरा नाम राजकुमार। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग इलस्ट्रेटर का हम लोग का ये थर्ड ट्यूटोरियल्स है। तो यार आज के इस वीडियो में ना हम लोग समझेंगे कि आप ग्रेडियंट टूल कैसे यूज कर सकते हो। ओके गाइज, इसके पिछले वीडियो में गाइज आपको याद होगा कि हम लोगों ने इसके जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने कैसे आप इलिप्स टूल यूज करते हो, कैसे रेक्टेंगल यूज करते हो, ब्रशेस कैसे यूज करते हो, टेक्स्ट कैसे यूज करते हो, इसके अलग कटर कैसे यूज करते हो जिसको आप इरेजर बोलते हो, इरेजर कैसे यूज करते हो, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रेडियंट टूल के बारे में समझेंगे और मेश टूल कैसे यूज करते हैं इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो यार सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रेडियंट टूल यूज क्यों करते हैं। देखो गाइस, अगर आप कोई भी कार्टून बनाते हो या तो कोई भी डिजाइनिंग जब बनाते हो तो उस टाइम का क्या होता है कि आपको मल्टीपल कलर यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो जगह अगर आपको मल्टीपल जब कलर यूज करना होता है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए अगर एक ही कलर में से दो टाइप के कलर आपको यूज करना हो, ठीक है, जिससे आप रेनबो बनाना, आपको तो रेनबो कैसे बनाते हो, तो उस सबको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ग्रेडियंट टूल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसको कैसे बनाओगे, तो उसको बनाने के लिए इलस्ट्रेटर में एक ऑप्शन दिया है ग्रेडियंट टूल जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलो तो मैं ग्रेडियंट टूल यूज करने के लिए मैं एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो मैं ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट टूल ले लेता हूँ, सॉरी एक रेक्टेंगल लेता हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद आपको सिंपली ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करिए और यहाँ पे कहीं पर भी इसको ले आके बस क्लिक करिए, ऑटोमेटिक ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको ये दिखेगा, एक रेक्टेंगल छोटा सा दिख रहा होगा, इसको आप आगे पीछे घुमाते हो तो ये आपको थोड़ा सा इसमें जो डार्कनेस और ब्राइटनेस इसमें कम बेसी होता दिखेगा, मतलब जो कलर है कहीं पे डार्क होगा तो कहीं पे लाइट होगा, ऐसा करके आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ऐसे सीन में क्या करोगे आप कि अगर अभी गाइस आपने ये तो देख लिया, ठीक है, बट गाइस हम लोग यहाँ पे जो कलर है सिर्फ ब्लैक और व्हाइट तो रखेंगे नहीं, हमें डिफरेंट कलर चाहिए होगा। तो उसके लिए क्या होगा, कलर फील पे जाओ और यहाँ पे कलर चूज, देखो आप यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कलर आप नॉर्मली क्या करते थे, कलर फील करते थे, अभी अगर यहाँ पे आप नॉर्मली कलर फील करोगे, जैसे एग्जाम्पल की मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कलर कोई भी कलर सेलेक्ट भी करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल ये मैं यहाँ पे रेड ग्रीन सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक टोटल फुल पूरा फुल कलर हो जाएगा, बट यहाँ पे ग्रेडियंट वाला ऑप्शन जो है वो ग्रेडियंट नहीं दिख रहा है। तो ग्रेडियंट दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको सिंपली पहले इस पर ग्रेडियंट पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ पे फिर से फिल पे क्लिक करो और तब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, ग्रेडियंट ऑप्शन एक दिख जाएगा, ग्रेडियंट ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा सा करके बाहर ला लो। ठीक है, अभी इसको अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। चलो अब गाइस जैसे यहाँ पे आपको दिया था, यहाँ पर भी देखो एक आपको छोटा सा रेक्टेंगल मिलता है, इसको आप जैसे भी कम बेसी करोगे, ये देखो आप यहाँ पे जैसे इसको घुमाओगे ऑटोमेटिक ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा, यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने अनुसार जितना भी आपको एडजस्ट करना है। ओके, अभी हमें इसका कलर चेंज करना है, अगर जैसे मैं चाहता हूँ इधर का ब्लैक है, ये वाला ब्लैक ब्लैक पोर्शन चेंज हो जाए, तो मैं इस पे बस इस पे ले आके माउस को डबल क्लिक कर दूंगा और ये कलर मैं आप यहाँ पे जा सकते हैं, आप ऐसे आपको ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ पे आई ड्रॉपर की मदद से कहीं पर भी ड्रॉप करके इसको कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ रेड कलर। ओके, अगर इन केस अगर आप में ये ऑप्शन नहीं दिखाई देता है, अगर आपको लगता है कि यार ये ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक दिख रहा है, तो आप इस पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऐसे ग्रे स्केल आपको दिखेगा, तो ग्रे स्केल को आपको हटा के बस यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पे आरजीबी भी क्लिक करिएगा, ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ से अपने अनुसार इसको कम बेसी अपना आप कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या देखते हैं, अगर हमें यहाँ पर भी अगर जैसे इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो व्हाइट पॉइंट जो दिख रहा है, अगर इधर अब मुझे सारी का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर भी डिफेंड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ ग्रीन, मैंने यहाँ पे ग्रीन दिया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसा दिख रहा है ये। ओके, यहाँ पे रेड हुआ, फिर रेड में हल्का हल्का हुआ, फिर यहाँ पे बीच में, फिर उसके बाद लास्ट में क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ऐसा कलर दिख रहा है। ओके, अच्छा ये तो आपने कर लिया, अगर आपको इसमें चाहिए हुआ कि अगर चाहते हो कि मैं ये जो कलर है, ओके एक कलर को मैं पूरा घुमा के, जैसे मैं चाहता हूँ कि ऊपर इधर साइड ये जो पूरा एरिया है ये पूरा एरिया क्या हो जाए, रेड हो जाए, और इसके जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये पूरा क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, बस सिंपली यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे माउस ले जाते हो तो देखो यहाँ पे क्या करेगा, एक इस तरह का रोटेशन वाला सिंबल बन जाएगा, रोटेशन वाले सिंबल पे क्लिक करना और ये देखो अब इसको क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो अपने अनुसार, देखो अभी आप इसको क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ये आपने रोटेट कर दिया। अभी मैं इसको क्या करूंगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा के ऐसे करूँ तो ये देखो ऑटोमेटिक एडजस्ट अपना शुरू हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है गाइस, आसान होगा, होगा क्वेश्चन में हो। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ,
तो इसके अलावा अगर गाइस अगर आप गाइस अगर इसको और भी घुमाना है तो बस सिंपल कहीं पर भी क्लिक कर दो अपने साइज को, जैसे भी चाहो एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ ऐसे एडजस्ट करना चाहता हूँ, मैं एडजस्ट ऐसे कर दूंगा, और ऐसे एडजस्ट करना है मैं ऐसे एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, अपने साइज को चाहो तो आप एडजस्ट कर सकते हो। चलो अगर मुझे इसमें अगर एक कलर और ऐड करना है, मुझे मल्टीपल कलर ऐड करना है तो क्या करूँ, उसके लिए देखो आप जहां पर भी कहीं पर भी क्लिक कर दो। जैसे मैं यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे माउस को थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करो, तो आपको जैसे ही माउस थोड़ा सा घुमाते हो आपको ले जाओगे, आपको यहाँ पे इस तरह का सिंबल बनेगा। तो बस सिंपली जैसे ही सिंपल बनेगा, छोटा सा एरो बनेगा और प्लस का सिंबल दिखेगा, इस पे क्लिक कर दो, एक और आपको यहाँ पे सर्कल मिल जाएगा छोटा सा, इसको आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, इसके बीच में एक कलर डाल देता हूँ, जैसे मैं कलर डाल देता हूँ ब्लू, यहाँ पे ब्लू कलर एंटर कर दूंगा, आप गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सा कलर आ गया है, ब्लू, यहाँ पे ब्लू कलर आ चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है, यहाँ से रेड वाला जो कलर था वो मैंने उसको बाईपास करा दिया, इसलिए इस तरह से दिख रहा है। ओके चलो, यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे रेड कर दो, हो जाएगा, हो गया, बहुत सिंपल आसान हो गया। ओके चलो, एक ऑप्शन उसके बाद आता है ग्रेडियंट टाइप। जैसे आप नीचे क्लिक करते हो ग्रेडियंट टाइप, अगर हमें गाइस अगर मुझे ये जो सिंबल है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, जैसे मैं इसको क्या करता हूँ डिलीट कर देता हूँ। चलो मैं इसको करता हूँ डिलीट, और मैं एक सर्कल लूंगा, यहाँ पे मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। चलो और अभी गाइस मुझे चाहिए होगा, जैसे मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में क्या हो, एक छोटा सा स्टार जैसा, मतलब कोई चमकता हुआ चीज बने, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो कुछ इस तरह सर्कल आपका बन गया। क्लियर है अभी? देखो अभी इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो अपने अनुसार, जैसे चाहो वैसे एडजस्ट कर लो। यहाँ पर गाइस कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो, आसान होगा। मैं इस पे डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ब्लू। ओके मैं यहाँ पे एक और लेके यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ येलो, आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन दिख गया। अगर आप चाहो तो सेम इसी तरह थोड़ा सा इसको और भी क्लियरिटी करके थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाते हो, आप रेनबो बना सकते हो इसी इसी तरह। ओके उसके बाद है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। देखिए अभी इसमें क्या होगा, आपको फ्रीली इसको पूरा कंप्लीटली आप इसको जैसे चाहो वैसे घुमा सकते हो, जैसे मतलब अपने हिसाब से ऑटोमेटिक अडजस्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे कलर देता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ ब्लैक और सॉरी ग्रीन। ओके और मैं यहाँ पे पॉइंट पे दे देता हूँ, ओके मैं यहाँ पे पूरा देता हूँ रेड। ओके मैं इस पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे आप इस तरह से इसमें एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे चाहूँ तो कलर ऐसे चूज भी कर सकता हूँ, ठीक है, और मुझे इस कलर को चूज करना है, मुझे यहाँ पे ले आके मैं ये कलर चूज कर लेता हूँ, एक आईड्रा ऊपर ले आके मैं यहाँ पे एक इधर साइड में चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे तीन पॉइंट दिख रहे हैं, मैं तीनों पॉइंट को डिफरेंट डिफरेंट कर लेता हूँ। मैं जैसे इस पे ले आके कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ग्रीन। ओके आसान हो गया आपके लिए अभी, मतलब मुझे किसी भी तरीके से कहीं पर भी, जैसे तीन पॉइंट दे दिए, तीन कोने हैं, ठीक है, तीन तरफ के पॉइंट है, आप चाहो तो इनको तीन तरीके से ऐसे आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो आसानी से। ओके डिफरेंट डिफरेंट अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से मैनेज करना हो तो ये वाला आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर पॉइंट वाला हो गया, आपको लाइन में चाहिए तो इस पे लाइन पे सिंपली लाइन पे क्लिक कर दो। अभी आप इसको लाइन के मतलब आपकी जो भी लाइन हो, आप लाइनिंग में एक आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ लेता हूँ, एक ऐसे दिखाया और ये ऐसे लिया और ये ऐसे लिया। देखो अभी क्या गया, एक लाइन के माध्यम से, मतलब ये जो भी जहां पे भी आप इसको कनेक्ट करोगे, ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब ये एडजस्ट करेगा जहां जहां जैसे जैसे इसको घुमाते चलोगे। ये देखो देखो मैं कुछ इस तरह ये सबको क्रॉस करते हुए जा रहा है। ओके बहुत सिंपल आसान होगा। सो आई होप गाइस ये आपको पॉइंट समझ में आ गया, लाइन और पॉइंट का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है, और ग्रेडियंट टूल कैसे यूज करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके चलो मैं इसको करता हूँ डिलीट। नेक्स्ट गाइस हमारा ऑप्शन होगा कि हमें मेश टूल यूज करना जाना है, ठीक है। मेश टूल के लिए क्या करोगे, इस पर ग्रेडियंट ऑप्शन वाले पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन देता है मेश टूल। मेश टूल को इसका जो शॉर्टकट की होगा यू होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रेक्टेंगल लिखता हूँ, एक रेक्टेंगल सिंबल से ले लेते हैं हम लोग। ओके नहीं सॉरी रेक्टेंगल ही, हम लोग यहाँ पे सर्कल लेंगे, सर्कल लेंगे तो आसानी से समझ आएगा आपको। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक बॉल, ठीक है, और मैं यहाँ पे कोई कलर दे देता हूँ इसको, मैं एग्जांपल के लिए मैं कर देता हूँ एक येलो कलर दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दे देता हूँ मेश टूल। मैं फटाफट यहाँ पे सारे मेश टूल को फिल कर लूँगा। ओके
मैं यहाँ फिल कर लेने वाला हूँ। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा हो कुछ इस तरह से, आपको अभी ऐसे नहीं दिखेगा, जैसे आप इस पे ले आओ कर्सर आपको कुछ इस तरह दिखेगा। अभी मुझे अगर एक सेट करना है, मैं यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे क्लिक करूंगा, किसी एक पॉइंट पे, जैसे अभी मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, इस पे क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कलर दूंगा रेड। ओके, मैं यहाँ पे कलर दे दूंगा रेड, यहाँ पे मैं देता हूँ जैसे ग्रीन कलर। ओके, तो आप इस तरह से जगह जगह पे अपने अनुसार कलर दे के और इसको कुछ इस तरह से आप उभरता हुआ इसको बना सकते हैं। ओके, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कलर, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप कलर, ऐसे ब्लर टाइप दिख रहा है। ओके, तो जैसे मैं एग्जाम्पल के मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं ऐसे लूंगा, ऐसे सेलेक्ट करूंगा पूरा आधा जरा, और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसको कर दूंगा रेड, हाफ रेड हो गया। और मैं यहाँ पे इसको कर लूंगा, एक मिनट, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, और मैं यहाँ पे ले लूंगा इसको ब्लू करके कलर, और मैं यहाँ पे इसको कलर ले लूंगा, लेता हूँ यहाँ पे गुलाबी कलर का पिंक, और मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ आसमानी, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रीन। ओके, सो आप इस तरह से देख सकते हो। सो कुछ इस तरह से लुक वाइज आप एक बेहतरीन सा ऐसे इस तरह का जो एक गेंद है, या तो आप कोई सर्कल को इस तरह से डिजाइन कर सकते हो मेश टूल की मदद से। ओके, इससे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेश आप डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये चीज पॉइंट समझ में आया हो। अब नेक्स्ट हमारा है आई ड्रॉपर। इस आई ड्रॉपर का यूज क्यों करते हैं, जैसे अगर मैं एक इमेज दे लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए मैं एक इमेज यहाँ पे रख लेता हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पे जैसे एक रख लेता हूँ एक इमेज स्वामी विवेकानंद का, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और मैं पहले इसको डिलीट करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ उसको डिलीट, और मैं यहाँ पे सिंपल सा रेक्टेंगल ले लेता हूँ, और मुझे इसका कलर फिल करना है। मुझे यहाँ पे कलर फिल करना हो, मैं आई ड्रॉपर लूंगा, सिंपली ऑलरेडी ये सेलेक्ट होना चाहिए, सेलेक्ट है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो भी कलर चाहो वो कलर फिल कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो आसान है। तो आइडिया पर का बस इतना ही यूज है कलर को फिल करना, और मैंने हम लोगों ने बहुत जगह इसको यूज भी किया है, तो आपको आई होप पता हो। तो गाइस यहाँ पे आप, तो गाइस आज आपने सीखा है कैसे आप मेज टूल यूज करते हो, आपने सीखा है कैसे आप ग्रेडिएंट टूल यूज करते हो, उसके बाद आपने सीखा कैसे आप आइडियापर यूज करते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टूल होगा हमारा, हम लोग जानेंगे कैसे आप वृत्त को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैसे ब्लेंड ब्लेंड वगैरह यूज करते हो, कैसे आप यूज करते हो, तो ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।